इस बात की रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता रहे कि गांधीनगर से अमित शाह की जीत हो गई है। गांधीनगर से अमित शाह की ये दूसरी जीत, 2019 में भी अमित शाह ने गांधीनगर से चुनाव लड़ा था। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी यहां से जीतने आए हैं, कई बार के सांसद रहे और इसके बाद गांधीनगर को सीट के तौर पर अमित शाह ने अपनाया और 2019 में भी उनकी बड़ी जीत थी। इस बार फिर वो जीते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कितनी बड़ी लीड के साथ जीते हैं, क्योंकि लक्ष्य यही रखा गया था कि एक बड़ी लीड यहां पर निकलकर सामने आए। सी आर पाटिल ने सबसे बड़ी लीड के साथ 2019 में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात में, उन्होंने चुनाव जीता था। अब यहां पर अमित शाह ने कितनी बड़ी जीत हासिल की अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर ये 3 लाख से ज्यादा के वोटों से जीते हैं अमित शाह। एक बड़ी लीड कही जा सकती है, बड़ी जीत है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं। गांधीनगर से अमित शाह ने जीत हासिल कर ली है, इस वक्त की बड़ी खबर। गांधीनगर से 2019 में भी अमित शाह ने जीत हासिल की थी और ये इस बार जो जीत है वो 3 लाख जीत है। सी आर पाटिल भी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल कर चुके हैं, सबसे बड़ी जीत उन्हीं के नाम है। और अब अमित शाह, देखिए एक और अपडेट यहाँ पर है, 5.5 लाख के वोटों से जीत हासिल की है, बहुत बड़ी लीड कही जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी लीड, 5.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए हैं और इनको चाणक्य बीजेपी का कहा जाता है और उन्होंने अपनी लोकसभा सीट से 5.5 लाख मतों से जीत हासिल की है। इसी ब्रेकिंग न्यूज के चलते चलते ही एक रिएक्शन मैं जल्दी से लेना चाहूंगा शैलेंद्र गुर्जर से। शैलेंद्र जी, आपकी पार्टी के चाणक्य चुनाव जीत गए 5.5 लाख से। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अमित शाह साहब को, केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं गुजरात।